अभी तक जो चीजें हमने इसके अंदर कवर की हैं, इसके अंदर हमने ये देखा है कि आपके पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है। उसके अंदर अभी तक दो किस्म की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को जो है ना वो हमने स्टडी किया है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल वो है रूट्स की, ठीक है, जिसके अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा स्टार्टिंग कंट्रोलर जो है वो कौन सा होगा। इस वक्त है ना हमने स्टार्टिंग कंट्रोलर जो था वो हमने होम को डिफाइन किया था, और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो पेज होता है वो इंडेक्स का पेज होता है जिसको हम यहाँ पर कॉल करते हैं। यानी कंट्रोलर इस वक्त होम होगा और उसके अंदर जो मेथड होगा वो इंडेक्स होगा, और उसके अंदर जो व्यू होगा वो भी इंडेक्स होगा। ये अच्छा, ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। यानी इंडेक्स मेथड है तो हम कॉल जो करेंगे, कॉलिंग मैकेनिज्म से जो कॉल करेंगे वो इंडेक्स व्यू कॉल करेंगे, वो फिर अपने व्यू को कॉल करेगा, और व्यू का नाम कुछ हो सकता है। ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली व्यू को कॉल करता है जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और व्यू जो है ये आपके पास HTML फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि जो बिजनेस लॉजिक है हमारी ज्यादातर वो हम मॉडल्स के अंदर लिखते हैं। मॉडल हमने नहीं बनाया, उसको डिस्कस भी नहीं किया। उसको कंट्रोलर उससे इंटरेक्ट करता है, और व्यू से जो इनपुट हमारे पास आ रहा होता है उसको वो रिसीव करता है, और उसके लिहाज से वो प्रोसेस कर रहा होता है जो कि अभी तक हमने देखा है। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया था, वो बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी जितनी भी चीजें हैं ना हम जो अभी पढ़ेंगे या आगे भी चलेंगे, सारी कॉन्सेप्चुअल बेस है। इस वजह से मैं आपको बार बार रिकैप करवा रहा हूँ। ये असल जो चीज है ना, ये आप जहन नशीन कर रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो इंडेक्स है उसमें रूट्स के ऊपर जाएगा, फिर ये एप्लीकेशन कंट्रोलर के पास जाता है, और एप्लीकेशन कंट्रोलर जो है ना वो बहुत सारी चीजों को अपने पास अपनी हेल्प के लिए कॉल कर सकती है। यानी जो मेन रोल है ना वो आपके पास एप्लीकेशन कंट्रोलर का है, जिसको हम यहाँ पर देख रहे हो। अब इस कंट्रोलर के अंदर हमने लास्ट टाइम इस चीज को डिस्कस किया था कि इसके अंदर एक मेथड होता है जिसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास के अंदर होता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है वो दो चीजों के ऊपर मुश्तमिल होती है, क्लासेस के ऊपर और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। क्लास के अंदर हम दो चीजें बनाते हैं, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। तो फंक्शंस वो चीजें होती है कि जिनको हम कॉल करते हैं, और प्रॉपर्टीज वो चीजें होती हैं जिनको हम सेट करते हैं। उसमें एक स्पेशल किस्म का फंक्शन होता है जिसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। वो कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन होता है ये उस वक्त कॉल होता है जब हम किसी भी चीज के ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, ठीक है। यानी जैसे ही हम इस पेज को कॉल करेंगे तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर जो है ना वो इनिशलाइज होगा और वो अपनी चीजों को कॉल करेगा। अब यहाँ पर आप जो एप्लीकेशन फ्लो चार्ट के अंदर देख रहे हैं तो इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि एप्लीकेशन कंट्रोलर जो है इन सब चीजों को कॉल कर सकता है। तो वो क्या कब कॉल करेगा, जैसे किसी पेज को हम कॉल करेंगे तो ये इसको कॉल करेगा, और उसके लिहाज से इसके मॉडल्स को, लाइब्रेरीज को कॉल करेगा। तो ये हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सारे कॉलिंग मैकेनिज्म जो है वो हम डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। इस वक्त हमने क्या किया था, अच्छा अभी थोड़ा सा और मजीद रिकैप करते हैं, इसको चला के दिखाता हूँ। तो हमने ये बताया था कि सबसे पहले जो ये करेंगे कि जो हमारे पास आपकी वेबसाइट का URL है, यानी हो सकता है इन फ्यूचर में कि किसी डोमेन के ऊपर चले तो वहां पर हम डोमेन नेम आ जाएगा, लेकिन अभी जो है ये हम लोकल होस्ट पे चला रहे थे, ये भी एक इसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम है, ठीक है। अमूमन ज्यादा जो चीजें हैं वो हमने माई एमवीसी साइट के रूट के ऊपर रखी हुई है जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करती है माई एमवीसी साइट, ठीक है। अब उसके अंदर हमें ये चीज कहाँ डिफाइन करनी होगी कि हमारी वेबसाइट का
एड्रेस क्या है, तो वो चीज हम डिफाइन करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम बेस यूआरएल के अंदर इस चीज को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली ये है कि हम यहाँ ज्यादातर कोडिंग नहीं कर रहे, एक बना बनाया स्ट्रक्चर है उसमें चीजों को जाकर मैं सेट कर रहा हूँ, कोडिंग भी कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करके कर रहा हूँ। तो यही चीज आपके पास फ्रेमवर्क बेस्ड डेवलपमेंट कहलाती है, हम पैटर्न बेस्ड कहते हैं। तो ये इसमें इसका फायदा यह है कि हम इतनी बड़ी कोडिंग तो कर भी नहीं सकते, और अगर करेंगे तो बहुत सारे उसमें एरर्स आ जाएंगे। तो जितनी भी पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग है उसका फ्लो इस किस्म का है कि आपको मिनिमम कोडिंग करनी है, समझ के करनी है, जहाँ पर जिस चीज की जरूरत है वो कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दें, आपकी एप्लीकेशन। तो ये आपके पास बेस यूआरएल, बेस यूआरएल की जरूरत क्यों पड़ती है? बेस यूआरएल की जरूरत इस वजह से पड़ती है कि जैसे हम इनिशियली जो वेबसाइट का पेज कॉल करते हैं तो ये मेरे पास आ गया था, लेकिन अगर मैं इसको फुल्ली क्वालिफाइड यूआरएल से मैं इसको कॉल करूंगा तो उसका तरीका ये होता है कि मान लीजिए index.php/home और फिर /index, ये इसका फुल्ली क्वालिफाइड यूआरएल है, ठीक है। तो ये देखें, इसमें जब ये चीज हम कॉल करते हैं तो ये समझता है कि ये होम शायद कोई डायरेक्टरी और इंडेक्स की कोई डायरेक्टरी है, और फिर वहां से वो इसकी जावास्क्रिप्टिंग सीएसएस को उठाना शुरू करता है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि हमने इसकी जावास्क्रिप्टिंग सीएसएस को जो टेम्पलेट इंप्लीमेंटेशन हमने की थी तो हमने उसको रूट पे रखा था, ये यहाँ पड़ेगा। तो उसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका बेस यूआरएल इसको कॉल करवाएंगे, और बेस यूआरएल पे हम ये बताएंगे कि भाई सारी चीजें ना यहाँ रखी हुई, यहाँ से कॉल करो। जैसे उसको कैसे पता चलेगा कि भाई सारी चीजें यहाँ रखी हैं, यहाँ से कॉल करो? तो उसका तरीका ये था कि मैंने ये किया था कि आपके पास एप्लीकेशंस के अंदर जो व्यूज थे, व्यूज के अंदर हमारे पास जो पेजेस थे उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। ये हम पहले भी कर चुके हैं पीएचपी के अंदर, इसमें एचटीएमएल हेड था, हेडर था, बॉडी था, तो वो सारी चीजें अलग अलग कर दी थी। तो ये एचटीएमएल हेड में जावास्क्रिप्टिंग सीएसएस वगैरह लिखी हुई थी, तो उसके अंदर हमने ये चीजें। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि हमने यहाँ पर HRF के अंदर पहले ये लिखा होता css/base.css, फिर इसको हमने सिंपल तरीके से कॉल नहीं किया, हमने इसको इस तरीके से एक फंक्शन के थ्रू कॉल कर रहे हैं, इको के, जैसे यहाँ पर इको यूज कर रहे हैं, क्योंकि इको ज्यादातर बस फंक्शन प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होता है, यहाँ पर किसी फंक्शन को हम कॉल करना है। तो बेस यूआरएल जो फंक्शन है ये कैसे इसको मिला इस HTML के पेज को, क्योंकि इसको हमने कंट्रोलर में यहाँ पे कॉल किया था हेल्पर मेथड के थ्रू, ठीक है। जो भी बेस यूआरएल है यानी ये फंक्शन, इसकी वजह से यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया, और उसके बाद जब हमने इसको व्यूज के अंदर जाके एचटीएमएल हेडर के अंदर कॉल किया तो ये इजीली यहाँ पर कॉल हो गया। अगर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर इसकी बेस लाइब्रेरी को कॉल नहीं करेंगे तो कभी भी जब हम यहाँ पर बेस यूआरएल का फंक्शन उठाएंगे, जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम जब भी यहाँ पर पेज कॉलिंग करते हैं तो हम कंट्रोलर और फिर उसके मेथड की तरफ जाते हैं, तो वो कभी भी HTML आपकी जावास्क्रिप्टिंग और CSS को नहीं पिक कर पाएगा। इसी को पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं, यानी पैटर्न्स आपको फॉलो करना है, पैटर्न आपको सीखना है, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप उसमें काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारी ज्यादा प्रीवियस क्लास जो थी उसका लुभाव है, हमने देखा था कि इंडेक्स का मतलब इस तरह से कॉल हो जाएगा, इस तरह से एक बार हमने पेज बनाया था अबाउट का, और उसके अंदर भी अच्छा अबाउट नहीं था, अदर फैक्ट का पेज था FAQ, उसको भी हमने यहाँ पर कॉल किया था, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि मेन्यू के अंदर हम ये पेजेस किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इसके अलावा होम पे भी अगर हम ये देख रहे हैं कि अभी तो URL सेट ही नहीं किया, सो एरर दे रहा है। यहाँ पर जितनी भी चीजें थी यानी आपके पास इमेजेस वगैरह स्लाइड्स वगैरह सब गायब हो गया, और उसका मेन रीजन यही है कि वो भी आपको उसी फंक्शन के थ्रू जो है ना कॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको पिक नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। तो इसमें जो है ना जो चीजें अभी तक हमने की है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, ये मैंने रिकैप करवाया है। क्वेश्चन नहीं, ठीक है जी, हम आगे चलते हैं, और अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं, जैसे ये हमारे पास इंडेक्स का पेज है और फंक्शन मेरे पास देखें ये फंक्शन मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हम ज्यादातर ना इसमें कोडिंग भी करते हैं तो कॉपी पेस्ट वाली करते हैं, क्योंकि हम लोग ना पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग को फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न के अंदर अपनी कोडिंग थोड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी कोडिंग होती है यूज करते हैं। देखिए ये वाला जो है ना पैटर्न मैंने समझ लिया कि भाई जितनी चीजें ना वो रूट पे रखी हुई है,
ये हमारा रूट है ठीक है, और इसके अंदर से मुझे कॉल करना है, तो इस फंक्शन को कॉल करना जरूरी। अब मेरे पास जो व्यू था ना एप्लीकेशन के अंदर, व्यू यानी ये वाला था index.php, तो जावास्क्रिप्ट और सीएसएस को तो मैंने ऐसे कॉल कर लिया, लेकिन बाकी चीजें भी तो है, वो भी तो रूट पर रखी हुई है, वो कैसे कॉल होंगी फिर, तो उसके लिए भी ये यूज करना पड़ेगा फिर। जाओ जैसे लेट सपोज यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है उसने bg4.css की फाइल, स्लाइडर के अंदर ये कह रहा है कि इमेजेस का एक फोल्डर है, उसमें स्लाइड्स का एक फोल्डर है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फोल्डर है, उसमें तो ये तो रूट पे है ना, ये रूट पे है। और अगर हम उसको कंट्रोलर के थ्रू मैसेज के थ्रू जाएंगे, वो समझेगा कि इसी पे इसका होम का कोई फोल्डर होना चाहिए, इंडेक्स का कोई फोल्डर होना चाहिए, उसमें ये फिर इमेजेस का फोल्डर होना चाहिए। तो इसको मुझे बताना है आप उसको रूट से कॉल करें, तो रूट से कॉल करने का तरीका ये होगा, जहां ये सोर्स लिखी है ना वहां पर फंक्शन मैंने कॉपी किया है, उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये वाली जो चीज है, ये जो चीज है हमारे पास इमेजेस स्लाइड रिस्पॉन्सिबली इमेज वन डॉट जेपीजी, इसको मैंने यहां से करना है कट कंट्रोल एक्स, इसको जो है ना यहां पर इसके अंदर जो है ना जाके मैंने पेस्ट कर, ठीक है, तो ये इमेज वन जो है ना वो यहां पर फॉल हो जाएगी। फिर इसको देखिए कॉपी करता हूँ, मैंने एक एक बना लिया ना टेम्पलेट बना लिया अपना इमेज कॉल कर, कॉपी किया मैंने कंट्रोल सी, और उसके बाद यहाँ हम गए सोर्स में, कंट्रोल वी कर, और इसमें इमेज टू जो है उसको हमने फिर इसी तरीके से यहाँ पर हमने इमेज फोर जो है ना इमेज थ्री आ जाएगा, बाकी स्लाइड शो हमारा सही है ठीक है। फिर इसी तरीके से नीचे हम आते हैं ना, तो ये भी इस तरीके से है ना इसको कॉल करना, इसकी भी सोर्स में हमने ये दे दिया, और इसमें से जो इमेजेस और ये अमी टू इमेज, यानी आपको ये काम करना पड़ेगा, ये तो इसीलिए तो पैसे रिलैक्स ये भी कॉल हो गया ठीक है जी। और क्या है जनाब, नीचे भी ये हमारे पास इमेजेस आ रही है, ये पूरा टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन ही कराएगा एमवीसी के अंदर, फंक्शन ऊपर रह गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से अब जितनी भी इमेजेस है इस तरीके से अप्लाई हो सकती है, मैंने आपको एक चीज दिखा दी, फिर देखें ये भी चीज है, ये थंबनेल जो नीचे के आ रहे थे उनमें भी मसला आएगा, फिर वही रहेगी, तो आप लोग इस तरीके से कर लो ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक जो मैंने इमेजेस कॉलिंग मैकेनिज्म आपको कवर करवाया है किस तरीके से होगा, समझ में आ गया जी सर? ठीक है, चला के देखते हैं इसको। अब देखिए ये फुल्ली क्वालिफाइड यूआरएल है,
ये फुली क्वालिफाइड यूआरएल क्या होता है, माय एमवीसी साइट index.php/home/index। हम दोबारा कॉल करते हैं, सरप्राइज भी आ गया, सब चीजें चल रही है मेरे पास ठीक है यार। और नीचे भी जाता हूँ तो यहाँ पर भी चीजें, अब जहाँ पर वो जो क्रॉस बने हुए आ रहे हैं ना, तो उसका मतलब यह है कि वहां पर फुली क्वालिफाइड यूआरएल उसको नहीं मिल रहा, फिर उसको उस तरीके से कॉल करना पड़ेगा जो अभी मैंने आपको बताया ना कि बेस यूआरएल का फंक्शन कॉल करेंगे और उसके रास्ते कॉल करेंगे, तब वो जाके उठेगा, अदरवाइज वो नहीं उठेगा। इसी को पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं कि आप पैटर्न सीखने के लिए बैठे हैं कि जो है ना हम पैटर्न को किस तरीके से फॉलो करें। नीचे वाला आपका साइड है कि सारी इमेजेस आप सेट कर लेंगे। अब इसी तरीके से हमारे पास जो एफएक्यू का पेज है उसमें देखते हैं, एफएक्यू में भी ये मेरे का तो काम है, एक आधी पेज है देख लेते हैं, फिर इसको मैं मेन्यू पे लगाता हूँ कि ये इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा ना, मैं यूआरएल ऊपर टाइप कर रहा हूँ कि यहाँ आना चाहिए ना पेजेस होम में, पेजेस में, तो इसका किस तरीके से हम यूआरएल को सेट करेंगे इसको मैंने बंद कर दिया index.php को, और इसके अंदर हम गए एप्लीकेशंस व्यूज एफएक्यू में जाके यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, इसी तरीके से हम लोग जो है और जो आपको चला के देखते हैं इमेज क्या आ रहा है। इमेज अब उसके बाद मैं चाह रहा हूँ यार मैन्यू पे कैसे लगाओ, तो मैन्यू पे देखिए मैन्यू कैसे लगेगा, तो मैन्यू जो है ना वो है इसके अंदर ना हेडर में, हेडर का फंक्शन है इसके अंदर भी, ये जो पेज वगैरह तो ऐसे रहे हो और हेडर यानी मैन्यू, अब जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि लोगो अगर मुझे कॉल करना है तो लोगो की कॉलिंग मैकेनिज्म भी आपके पास यही होगा। कॉपी न्यू मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और ये जो इमेजेस फ्लैश कंट्रोल एक्स फिर इसी तरीके से इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। अब जैसे ये है हमारे पास होम का पेज, अब ये होम है index.php, index.php ऐसे कॉल नहीं होगा, वो कंट्रोलर का एक मेथड है उसके थ्रू हम कॉल करेंगे, उसका तरीका ये होगा कि आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपका बेस यूआरएल आ जाएगा, फिर उस बेस यूआरएल के अंदर यानी बेस यूआरएल का जो फंक्शन है उसने जो है यहाँ तक चीज को उठा लिया,
अपना या मिसिंग साइड। अब उसके आगे जो चीज है ना वो मिसिंग है। अगर मैं होम टू कॉल कर रहा हूँ तो उसका फुल्ली क्वालिफाइड यूआरएल ये है ना, इसके आगे क्या चीज मिसिंग है, ये मिसिंग यानी index.php और स्लैश करके ना, ये यहाँ से अगर यहाँ तक का कॉपी करेंगे से और इसको बेस यूआरएल के बाद यहाँ तक स्लैश लानी होगी। तो ये आपका होम जो है ना वो आ जाएगा, जो ऊपर भी ऐसा ही हो। फिर उसके बाद जैसे वो उसका करेंगे एसईक्यू का जो पेज है FAQ में जो है ना वो आएगा FAQ। चला के देखते हैं। तो अब ये मेन्यू से क्योंकि मेन्यू जो है सब पे लगा हुआ है तो सब पे कॉल कर रहा है। जब मैंने होम कॉल किया तो होम आ गया। इसी तरीके से मैं इसमें FAQ कॉल कर रहा हूँ। अच्छा ये ना उसको गूगल क्रोम में कॉल कर रहा है, इसमें ना जावास्क्रिप्ट नहीं कर रहा, JQ को सपोर्ट नहीं करता ना, थोड़ा सा अजीब सा मैं ठीक है। इसी तरीके से हम फर्दर अपने पास मजीद पेजेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप लोगों का टास्क इसके अंदर ये है कि ये जो पेजेस है ना इसके, जैसे आपके पास अबाउट अस का पेज है ये आप खुद से बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है ये चेक यू के पेजेस अभी मैं बनवाऊंगा, ये प्योरली उसके ऊपर बेस कर रहे होंगे ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हम सर्चिंग प्रोडक्ट हम भी देखेंगे, सर्च प्रोडक्ट किस तरीके से वर्क करता है और उसको किस तरीके से यूज करेंगे। फिर इससे साइन अप का पेज आएगा, लॉग इन का पेज आएगा। तो ये देखिए सर्चिंग प्रोडक्ट का जो है ना वो हम अलग कंट्रोलर बनाएंगे और इसके अलावा जो हमारे पास साइन अप का पेज होगा जिसके अंदर आपके पास जो है वो भी होंगे, लॉग इन भी होगा, अपडेट प्रोफाइल भी होगा, तो उसका जो है ना पेज हम अलग बनाएंगे और उसको ठीक है। अभी हम एक कंट्रोलर नया बना रहे हैं ठीक है, सर्च प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट के नाम से बना रहे हैं क्योंकि उसमें आगे चल के हम ऐड अपडेट डिलीट भी प्रोडक्ट का पेज बनाएंगे जो कि एडमिन करेगा। अच्छा यहाँ पर ऐड अपडेट डिलीट भी बहुत आसान तरीके से होता है, इस तरीके से मुश्किल तरीके से नहीं होगा, सर्चिंग भी आसान है, सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना है। यानी यहाँ पर पैटर्न पड़ा तो इम्पोर्टेंट है, कोडिंग इतनी ज्यादा नहीं है, पैटर्न है उनको समझना है उनको फॉलो करना है ठीक है जी। बासित लेट हो गए थे प्रैक्टिस की पिछली क्लास की? हाँ सर, वेरी गुड, प्रैक्टिस किए तो जबरदस्त, और इस क्लास की जो वीडियो मिली जाएगी तो उसके लिए प्रैक्टिस कर लेना। अभी तक हमने किस टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन और इमेज कॉलिंग वगैरह को देखा है और ये मेन्यू में किस तरीके से हमने लगाया है इसको देखा है, और थोड़ा सा मैंने शुरू में रिकैप करवाया था क्लास का जो पुराना पढ़ाया था ना तो उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया था इस तरीके से। अच्छा सर्चिंग प्रोडक्ट का अलग कंट्रोलर बनेगा। अच्छा इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो चीजें अलग होती है ना उसको कंट्रोलर अलग बनाते हैं, कंट्रोलर बनाने में मुश्किल काम नहीं है, वही मैंने आपसे कहा था कि इसको कोडिंग नहीं करनी, इसमें पैटर्न को फॉलो करना है, यूज करना है। अभी जो होम कंट्रोलर मैंने बनाया है इसमें सारा काम हो गया ना, अब इसी की कॉपी बनाऊंगा ठीक है। अच्छा होम से रेलिवेंट जैसे इसके अंदर FAQ का पेज है, अबाउट का पेज है, वो आप खुद बनाएंगे, वो आप
रहेगी। अब मैंने क्या है, यहाँ पर होम कंट्रोलर की कंट्रोल सी किया और कंट्रोल बी किया, जिसकी कॉपी करके इसको मैंने नाम दे दिया प्रोडक्ट का, रीनेम किया और इसको मैंने नाम दे दिया प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट का कंट्रोलर जो है ना, तो अंदर भी कोडिंग में ये नहीं करता, बाहर से अगर रिनेम करते हैं ना तो अंदर जो क्लास होती है उसको वो रिनेम नहीं करता, तो उसको भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये सब चीज ऐसी रहेगी। अब इसमें जो पहला हमारा मेथड होगा वो इंडेक्स थोड़ी होगा, होगा सर्च, यानी इसमें हम सर्च करेंगे, सर्च हो गया। फिर उसका जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, सर्च होगा, सर्च होगा। अब उसके बाद जैसे प्रोडक्ट सर्च हो गया, ठीक है, वेल, फिर उसके बाद हम इसमें जो है ना तीन क्रूड ऑपरेशन जो है ना, थर्ड ऑपरेशन जो है ना इसके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट के, तो उसके लिए यहाँ पर आप मेथड बना लेंगे एड का, यानी इस प्रोडक्ट, अब इसका नाम इस तरीके से होगा ना, प्रोडक्ट स्लैश एड, इसका मतलब प्रोडक्ट को ऐड कर रहा है, प्रोडक्ट स्लैश सर्च, यानी प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, तो इसका ये ऐड का फंक्शन कॉल होगा, उसके पेज का नाम जो बनाएंगे वो बनेगा ऐड। अब आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आप इस तरीके से, मैं प्रोडक्ट का कंट्रोलर बना रहा हूँ, उसके पेज बना रहा हूँ, तो आप जो है ना अपने कस्टमर का कंट्रोलर बनाएंगे, एम्प्लॉय का कंट्रोलर बनाएंगे और उसके पेज बनाएंगे कि हम सर्च कैसे कर सकते हैं, उसको ऐड कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं इसको लेके चल रहा हूँ, आप अपने कस्टमर को या एम्प्लॉय का जो भी अपनी मर्जी उसको उठा ले और उसके लिहाज से, ये सारे काम देखे आप लोगों को करने हैं। अगर मैं इसको चेक नहीं भी कर रहा तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है पैसे खर्च कर रहे हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो उस वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद से करें उसको। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछे, फिर मैं एक्स्ट्रा टाइम भी आपको दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं प्रैक्टिस कर रहे, अब दो प्रैक्टिस भी दो किस्म की, एक तो प्रैक्टिस वो है जो मैं करवा रहा हूँ बस आपने वो कर ली, अब असाइनमेंट नहीं कर रहा, असाइनमेंट जब तक नहीं करोगे ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जो मैं असाइनमेंट दिया करूँ उसको क्या करो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती उससे पूछो सर ये चीज असाइनमेंट में समझ में नहीं आ रही कैसे होगा, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे इसमें जो हमारे ऑपरेशंस होंगे वो सर्च का होगा, ऐड का होगा, अपडेट का होगा, और यहाँ जो कॉन्सेप्ट लेके आए ना वो लेके आए हैं नो सीक्वल का, एसक्यूएल नहीं है इसके अंदर, ना सिलेक्ट होगा, ना इंसर्ट होगा, ना अपडेट होगा, ना डिलीट होगा, वो जो लंबी चौड़ी कोडिंग हमने पीएचपी के अंदर की थी वो नहीं है, ये होगा अपडेट। इसका जो पेज बनेगा वो जो अपडेट बनेगा, फिर उसके बाद आएगा डिलीट, इसको मैंने सेव कर दिया। अब सबसे पहले हमें सर्च का पेज बनाना है। सर्च का पेज के लिए क्या है कि हमारे पास जो टेम्पलेट है उसमें ब्लॉग लेफ्ट साइड बार जो है ना वो का पेज है एक एचटीएमएल का, उसको मैं उठा लेता हूँ, फिर उसको उसके टेम्पलेट उसमें मैं क्या इंपॉर्टेंट टेम्पलेट्स, ब्लॉग लेफ्ट साइड ये हमारा सर्चिंग के लिए काम आएगा ना, उसको कॉपी किया मैंने कंट्रोल सी, और इसमें माय एमवीसी साइट के अंदर एप्लीकेशंस के अंदर व्यूज के अंदर हमने जाके इसको पेस्ट करा,
उसके बाद हम ये करेंगे कि हमारे पास रहेंगे व्यूज पे, देखिए ब्लॉक लेस सेट। तो मेरे पास जो कंट्रोलर है, मानी होम तो कंट्रोल, प्रोडक्ट तो कंट्रोलर हो गया, इसका जो पेज है वो तो सर्च है ना, ठीक है, सर्च ही मेथड है, सर्च ही पेज की नाम रखा हुआ। तो यहाँ जो पेज का नाम होगा ना वो क्या होगा, सर्च होगा, रिनेम करेंगे, सर्च डॉट पीएचपी होगा, एचटीएमएल नहीं होगा, उसको नाम रखेंगे सर्च डॉट पीएच, सर्च डॉट पीएच मेरा नाम रखते। फिर उसके बाद हम जो पुराने पेजेस के साथ करते हैं, यानी जैसे इंडेक्स के साथ भी हम वो करेंगे, इन इंक्लूड करेंगे सेक्शंस, कंट्रोल सी, सर्च में गया, हेडर सेक्शन में जो था उसको रिप्लेस कर दिया। सेम एज हेडर सेक्शन जो है ना उसको भी हम यही करेंगे, उसके अंदर आई थिंक हेडर डॉट पीएचपी तो ये तो कर दो, इंक्लूड हेडर डॉट आईएस, ठीक फिर इसी तरीके से मेरे पास जो फुटर सेक्शन है उसको भी करेंगे। मैंने कर दिया, फुटर डॉट ठीक है जी। अब इसको मुझे लगाना है हेडर में इस पेज को, तो मैं क्या करूंगा, सर्च के अंदर इसको लगाऊंगा, उसका तरीका यही होगा, यानी फंक्शन हम कॉल करेंगे इस तरीके से, बेस यूआरएल का जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, तो इसको सर्च, ये रहा सर्च, यहाँ ये ब्लॉक लेफ्ट साइड पर लगा रहे, इसको हटाए की जगह पे हम ये देंगे। अब इसके अंदर जो इसका फुली क्वालिफाइड यूआरएल बनेगा वो ये बनेगा कि सबसे पहले आएगा प्रोडक्ट कंट्रोलर, फिर उसके बाद इसमें आएगा सर्च, प्रोडक्ट के अंदर सर्च का जो मेथड है वो आएगा। इसमें थोड़ा सा सेंसिटिव भी है, वैसे तो इग्नोर कर देता है कि मेथड ने स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिखता है, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर सर्च का मेथड इसमें आ जाएगा, तो चला के देखते हैं। तो ये एटलीस्ट हमारे पास इस कंट्रोलर के इस मेथड को थ्रू मेन्यू है ना वो एक्सेस कर रहा होगा। ये तो हमारा होम का पेज हो गया, उसके बाद चाहिए तो मैं उसमें चला गया गूगल क्रोम देख। ये हो गया होम का पेज। अब उसके बाद हम गए इसमें सर्चिंग पे, था ये सर्चिंग प्रोडक्ट का पेज है, इसको मैंने कॉल किया, तो
पर अगर आप फुल्ली क्वालिफाइड यूआरएल देखें तो वो क्या है हमारे पास, यानी माई एमवीसी साइट जो बेस यूआरएल के फंक्शन से उठ रही है। इसका फायदा यही है ना कि अगर इन फ्यूचर में हम कोई डोमेन लेते हैं तो मुझे सिर्फ जाकर कॉन्फ़िगरेशन में जाके जहां मैंने बेस यूआरएल लिखा है वहां पर जाके मैं ये चेंज कर दूंगा। यानी हर चीज पीएचपी में हमें बनानी पड़ती है, इसके अंदर बनी हुई होती है, इवन रिएक्ट वगैरह भी सब बनी हुई होती है, टेम्पलेट पूरा बना हुआ है, आपको समझना होता है सर कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये वहां से उठाया फिर इंडेक्स डॉट पीएचपी, और ये प्रोडक्ट कंट्रोलर सर्च इसका मैथड ही है हमारे पास। अब यहाँ पर भी हम सर्चिंग वगैरह परफॉर्म करेंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट क्लास है हमारे पास, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि डेटाबेस को किस तरीके से इंट्रैक्ट करेंगे, यानी वही वाला काम जो पीएचपी में हम कर चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा एमवीसी पैटर्न के ऊपर चला जाएगा, नो सीक्वल पे चला जाएगा, लैम्डा एक्सप्रेशन उसके अंदर आ जाएंगे, यानी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी। इसके से पहले पीएचपी पढ़ाया था, पीएचपी आसान होता है, एमवीसी मुश्किल होता है, रिएक्ट थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा। तो लेकिन वही बात है, बाद में अगर समझ में आ रहा है तो समझ में आता रहेगा, तो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यही वाला टेम्पलेट रहे और इसमें जस्ट लाइक पीएचपी डेटाबेस क्या आ जाए, लेकिन मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर तीन तरीके से आएगा। कोडिंग सारी हमारे पास मॉड्यूल में होगी, कंट्रोलर में होगी, व्यू में खाली डिस्प्ले आएगा। फिर हम यहाँ पर वही वाले काम की, यहाँ पर कोई टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट देंगे, इसको सर्च करेंगे, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मॉडल व्यू कंट्रोलर की थ्रू इनपुट कैसे पास होता है, वो सर्च कैसे होता है, उसका रिजल्ट यहाँ पर कैसे आएगा। तो ये सारी चीजें हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे और उसके अंदर हमारे पास ये चीजें। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछे भाई। हाँ भाई, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आपकी क्लास जो है ना 11:15 बजे ही होगी, रमजान रमजान के अंदर मंडे को और वेडनेसडे को, ये तरावीह तकरीबन हमारे वही 21 रोजा हो रही है, तो वो 11:30 तक खत्म होती है ना, उसके बाद ही मैं क्लास लेता हूँ। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज इसको हम यहीं रखते हैं। अभी थोड़ी देर के अंदर सारा मटेरियल फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने अपलोड कर दिया था, नोट्स वगैरह सब चीजें वगैरह, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं सिर्फ वीडियो जो है ना वो अपलोड करता हूँ। अच्छा, आज जो है ना हमने क्योंकि कोडिंग वगैरह की है तो मैं आज वेबसाइट भी अपलोड करूंगा। ठीक है, तो वेबसाइट भी आप डाउनलोड करके और उसके अंदर ये सारी कोडिंग हमने की है डिफरेंट पेजेस के ऊपर, इसको भी व्यू कर सकते हैं, एड्रेस आपके पास चल रही है, क्योंकि डेटाबेस का तो अभी तक मैंने इंट्रैक्ट नहीं किया तो ये चल जाएगी। अगर ये फोल्डर डायरेक्ट आप जाके रख देंगे ना फिर अपने पास, और अगर आपके पास 3.0 है तो आप उसके अंदर URL बना दे और फिर उस बना दे चल जाए। ठीक है जी, तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम देखेंगे। हाँ भाई, बस जी क्वेश्चन है नहीं नमस्कार। है? ठीक है, तुझे मैंने असाइनमेंट दिया, उसको जरा करना है अपना, जो है कस्टमर का, एम्प्लॉय का, पेज का, कंट्रोलर बनाना है, मेथड बनाना है, और उसके लिए आज उसको करना है। ठीक है, फिर आगे चल के हम मॉडल बनवाएंगे, फिर मॉडल बना लेना, मैं प्रोडक्ट का मॉडल बनाऊंगा, आपको कस्टमर का, एम्प्लॉय का मॉडल बना लेना, फिर हम ऐड अपडेट डिलीट के फंक्शन लिखेंगे, तो मैं प्रोडक्ट के लिखूंगा, आप कस्टमर एम्प्लॉय के लिखना। तो इसमें सेम ही चीज होता है, पैटर्न तो एक दफा आप सीख लें तो 10 10 पैटर्न ऐसे बना सकते। ठीक है जी, ओके सर।